नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें राजस्थान में जो योजनाएं चलती है उनके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो आज मैं दो योजनाओं के बारे में डिस्कशन करूंगा। आगे आने वाले दिनों में कम से कम जो राजस्थान में 100 से 150 के बीच में योजनाएँ हैं उनको एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगी उनका पहले अध्ययन करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं बजट से या फिर इकोनॉमिक सर्वे से जो रिलेटेड होगी उनको हम पहले डिसीजन उनके बारे में पहले हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में जो अनइम्पोर्टेंट होगी, जो कम इम्पोर्टेंट होगी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में मैं राजस्थान जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनसे भी रिलेटेड और ये योजनाओं से संबंधित वीडियो में आपको लाने वाला हूँ। और जो सूजेस का डिस्कशन जो मंथली होता है वो होता रहेगा वैसे का वैसे। तो आज दो योजनाएं मैं डिस्कशन करूँगा, वो है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, और जो दूसरी है वो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इस योजना में क्या है, अगर जो किसान है वो जो मजदूर है अगर कृषि अथवा मंडी प्रांगण में अगर कार्य करते हुए मर जाता है, या फिर अगर मंडी में अपना जो सामान ले जाता है और वहाँ से वापस लौटते समय उसका अगर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई अंग उसका क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जो विपणन निदेशालय है, कृषि विपणन निदेशालय, उसके द्वारा उसको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का ये परिचय है बेसिक सा, उसके बाद में इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया है कृषि विपणन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो उद्देश्य है वो कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को कृषि का उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर यह स्थापित किया गया था। और इसका जो कार्य है वो मंडी का नियमन, एक मार्क एवं व्यावसायिक वर्गीकरण, मंडी परिज्ञान, मंडी समितियों का बजट एवं प्रशासनिक कार्य संपादित इसके द्वारा किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी राजीव गांधी योजना की जो प्रारंभ दिनांक थी वो 30 अगस्त 1994 से इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश 9 दिसंबर 2009 को इसको वापस संशोधित किया गया। इसलिए इस योजना का ये संशोधन 2009 में हुआ था। उसके बाद में 18 नवंबर 2014 से इसका पुनः संशोधन किया गया, और जो सहायता राशि थी पहले जो 1 लाख थी उसको सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। आगे जब आएगा उसको मैं डिटेल से बताऊंगा, उस टाइम आप देख लेना कि ये 2 लाख कब किया गया और क्यों किया गया था। इसमें जो 2 लाख है वो मृत्यु हो जाने पर ये दी जाएगी सहायता राशि। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपने देखा होगा, आजकल जो ट्रेंड है वो पिछला ट्रेंड नहीं रहा, जो पुराने जो जीके के क्वेश्चन बनते थे वो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनने लगे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, इस प्रकार के क्वेश्चन उठा के देते हैं। या तो वो क्वेश्चन आपको आता है तो एकदम धड़ल्ले से आपका सही होता है, या फिर आप उस क्वेश्चन के हाथ नहीं लगाओगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने ये योजनाएं जो शुरू करने का निश्चय लिया है। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो लाभान्वित वर्ग है वो इसमें होगा किसान होगा और खेतीहर मजदूर, जो मंडी प्रांगण से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं हम्माल या पलदार। पलदार ये होता है दोस्तों, वहाँ पर जो श्रमिक होते हैं वो उनको जो बोरियाँ हैं उनकी ढांडी लगाने के जैसे उनको चिन्हने का काम करते हैं, ये उस प्रकार के जो श्रमिक होते हैं उनको बोलते हैं पलदार। चलिए दोस्तों, उसके ये योजना है किन किन परिस्थितियों में देय होगी उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो अगर किसान है वो कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तब उसको मिलेगा, या फिर अगर सिंचाई कार्य करते समय उसको अगर जैसे कुआं खोद रहा है या फिर ट्यूबवेल लगा रहा है उस टाइम उसको अगर करंट आ जाए या फिर डूब के मर जाए तो उस टाइम उसको मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर रासायनिक दवाइयों का अगर छिड़काव कर रहा है किसान तो उस टाइम अगर उसके कोई क्षति होती है तो उस टाइम उसको ये राशि दे होती है। उसके अलावा दोस्तों, अगर मंडी में बोरियों की अगर ढांग लगाता है, क्योंकि पलदार का अक्सर ये जो काम होता है ये बोरियों की ढांग लगाते हैं, तो अगर उस टाइम कोई दुर्घटना होती है तो उसको सहायता राशि दे होती है। ये बेसिक सी चीजें हैं मैं डिस्कशन कर रहा हूं, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आगे आएगी। मंडी प्रांगण में अगर ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऊंट आदि अगर उलट जाता है तो इसमें जो सहायता राशि है वो दे होगी। उसके अलावा मंडी प्रांगण में अगर काम करते समय उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको अगर घायल हो जाए तो उसको ये सहायता राशि दे होगी। अगर घर जाते समय हादसा हो जाता है तो भी देय होगी, या फिर कोई जहरीला जानवर है उसको अगर डस के ले तो भी ये सहायता राशि वो देय होगी। आकाशीय बिजली गिरती है तो भी सहायता राशि मिलेगी।
अब दोस्तों बात आती है ये सहायता राशि देय होगी देय होगी देय होगी, लेकिन कितनी देय होगी ये इसके बारे में देख लेते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, या तो योजना जो अवधि है वो शुरू होने की दिनांक आती है, या योजना जो मैच होने वाले क्वेश्चन हैं उनमें आते हैं। निम्न में से राजीव गांधी जो योजना है उनमें कथन सही है, एक दो तीन दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे एक सही दो सही या फिर दो सही तीन सही, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जो मृत्यु हो जाती है जिस श्रमिक की उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जो 18 नवंबर 2014 से ये संशोधन हुआ था ये यही हुआ था कि इसको 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी भी दो अंग जैसे एक हाथ हो गया एक पैर हो गया, कोई दो अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसको 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर वो कोमा में चला जाता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो भी उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर दोस्तों कोई भी एक अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको 25,000 रुपये जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर कोई मामूली दुर्घटना में अगर घायल हो जाता है तो भी उसको सहायता राशि दी जाएगी। तो ये थी इस योजना के बारे में। अगर इसके जो दावे हैं और निपटारे हैं वो समस्त है, दुर्घटना घटित होने के 6 माह की अवधि में ही दिए जाएंगे। अब चलिए दोस्तों दूसरी योजना की बात कर लेते हैं। दूसरी योजना का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, 2015 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का परिचय जान लेते हैं, ये योजना क्यों लागू की गई थी। ये योजना उसी से रिलेटेड है दोस्तों, जो भी हमाल थे वो पलदार थे उन्हीं की सहायतार्थ है, लेकिन इस योजना में उसके परिवार से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड भी है, उससे परिवार से रिलेटेड है। तो जान लेते हैं इस योजना में क्या है। ये योजना दोस्तों 11 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत जो अनुज्ञप्तिधारी हैं, हम्माल हैं या पलदार हैं, उनकी सहायतार्थ है ये और ये योजना। उसके अलावा जो लाभान्वित वर्ग है इसका वो है मंडी में कार्यरत जो भी हम्माल या पलदार है। ये दोनों योजना एक दूसरे से रिलेट है इसलिए मैंने इनको साथ लिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर पात्रता की बात करें तो इनकी पात्रता है वो कृषि उपज मंडी में हम्माल या पलदार होना चाहिए, वहाँ पर कार्य कर रहा होना चाहिए। उसके अलावा इनको सुविधाएँ हैं, वो सुविधाएँ क्या मिलती है वो जान लेते हैं। पहली सुविधाओं की मैं बात करता हूँ वो है प्रसूति सहायता। अगर प्रसूति सहायता के अंतर्गत महिला और पुरुष जो हम्माल या पलदार हैं उनको महिला पुरुष दोनों को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये सहायता ये है कि अगर महिला होगी तो उसको उस जो प्रसूति सहायता अवकाश है वो 45 दिवस की मजदूरी के बराबर सहायता राशि उसको मिलेगी। यानी 45 दिन का अवकाश अगर वो मिलेगा उसको तो उसकी मजदूरी उसको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो जो अवकाश है वो इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में जो अवकाश है पुरुष और महिला का, तो 45 दिवस 15 दिवस 15 दिवस 45 दिवस, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। अगर आपने को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपने को श्योर छोड़ देना चाहिए, या फिर इस क्वेश्चन को अगर पता हो तो इस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए वरना छोड़ देना चाहिए। चलिए दोस्तों ये बात होगी। उसके अलावा पुरुष को अगर छुट्टी की बात आए तो 15 दिवस की उसको मजदूरी के समतुल्य उसको राशि का भुगतान उसको दे होगा, यानी उसको भुगतान किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें दूसरी सहायता है वो है विवाह के लिए सहायता। कोई महिला वहां पर जो हमाल है या पलदार महिला भी हो सकती है, या फिर महिला को अगर दो पुत्रियां हैं, दो पुत्रियों की सीमा तक, तीसरी हुई तो कोई बात नहीं, दो पुत्रियों की सीमा तक जो अगर उनका विवाह होगा तो प्रति पुत्री 20,000 रुपए की सहायता उसको दे होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पता है बनते हैं। उसके अलावा दोस्तों तीसरी सहायता है वो है चिकित्सा सहायता। अगर वो हम्माल या पलदार है, किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, लीवर है या फिर किडनी है, तब उस स्थिति में उनको 20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता है जो अन्य सहायता है उसके अतिरिक्त देय होगी, उनमें सम्मिलित नहीं होगी। अर्थात उन सहायताओं जैसे राजीव गांधी का अगर वो ले रहा है तो वो ले सकता है, लेकिन यहाँ पर ये 20,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं दूसरी, इनको चौथी नंबर पे आती है छात्रवृत्ति मिलती है इनको मेधावी, तो वो पुरस्कार मिलते हैं। 10वीं में अगर 80% से अधिक है छात्र के तो 3,000 रुपये, छात्रा के 3,500 रुपये, उसके अलावा 70 से 80 के बीच में है तो 2 और 2,500 रुपये एकमुश्त उनको दिए जाते हैं। 12वीं में अगर 90% से अधिक है तो 5,000 रुपये और छात्रा को 6,000 रुपये, इसी प्रकार 80 से 90% के बीच है तो 4 और 5,000 के, तो और स्नातक कर रही है तो छात्र को 4,000 रुपये और उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे।
समस्त जो अपील है उसके अधिकार हैं वो कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में रहेंगे। ये थी दो योजनाएं दोस्तों, और जो नेक्स्ट योजना मैं लेकर आऊँगा वो है सरस सुरक्षा कवच। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं मैं एक एक करके लेता जाऊँगा। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, अगर ये वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।